hydrogen like atoms represents a two particle system, or it presents a two particle problem. So it is a two particle problem. So as it is two particle problem, the one particle is represented as a nucleus of mass, say capital M, and charge plus Ze, and the second particle is electron of say mass small m and charge minus E, interacting by a Coulombic force. These are interacting by Coulombic force of attraction. So if x1, y1, z1 are the Cartesian coordinates of nucleus, and x2, y2, z2 Cartesian coordinates for electron, then the Hamiltonian operator, because it is very important, first step in solving the quantum mechanical problem is to find out the Hamiltonian operator. पहला चीज होता है Hamiltonian operator find out करो, दूसरी चीज होती है Schrodinger wave equation find out करना है, and third is solving the Schrodinger wave equation by little assumptions, by acceptable assumptions. So the Hamiltonian operator for hydrogen like atom can be given as because here there are, it is a two particle system, so it will be different than the particle on a sphere or particle on a ring. Because वहां पे हमारा एक सिंगल पार्टिकल सिस्टम था, यहाँ पे हमारा टू पार्टिकल सिस्टम है. सो हमारा जो हैमिल्टोनियन होगा, दैट हैमिल्टोनियन विल बी माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर कैपिटल एम डेल 1 स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर स्मॉल एम del 2 square minus, now potential energy will also be there, so Ze square upon 4 pi epsilon naught r. This will be giving us the Hamiltonian for this particular equation, where we have del I square can be represented as del square by del xi square plus del square by del y square plus del square by del z I square, where I represents either 1 or 2. So I goes from 1 or 2. 1 is for nucleus and 2 is for electron. As there are two particles, so we have to have an Hamiltonian for both the particles included and the potential energy also here. So this can give us the Hamiltonian for this particular system. Hamiltonian nikalna is very important whenever we are doing it for a quantum mechanical solutions. Whenever you are dealing for or going for a quantum mechanical problem solving, pehla step hota hai Hamiltonian likhna. Agar aapka Hamiltonian right aata hai, तो फिर आगे की चीजें इजी हो जाती है आपके लिए. आगे के चीजों में इट इज ऑल रिपीटेशन ऑफ वर्क, जो हमने अभी तक देखा वही रिपीट करना है आगे में. लेकिन सबसे पहली चीज होती है कि हैमिल्टोनियन बराबर से लिखना. हैमिल्टोनियन में कितने टर्म्स आते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. यहाँ पे हमारा टू पार्टिकल सिस्टम है, सो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे तीन टर्म्स आए. पहला टर्म होता है
वन स्क्वायर वाला टर्म, सेकेंड हुआ डेल टू स्क्वायर वाला टर्म, एंड थर्ड इज द पोटेंशियल एनर्जी टर्म. सो वी गॉट थ्री टर्म्स इन दिस हैमिल्टोनियन विच इज अ टू पार्टिकल सिस्टम. द नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ टर्म्स इन हैमिल्टोनियन, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत काम में आएगा. आपके अभी इसमें पूछा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करते हो तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दिस इज वेरी सिंपल रिलेशनशिप इज देयर. नंबर ऑफ टर्म्स इन एन हैमिल्टोनियन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अ फॉर्मूला एन प्लस ई इंटू एन प्लस ई प्लस वन डिवाइड बाय टू. ये फॉर्मूला याद रखना है, एन प्लस ई इंटू एन प्लस ई प्लस वन डिवाइड बाय टू, वेयर एन इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज कि आपके मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस. अगर आपका एक एटम है तो सिंगल न्यूक्लियस होगा, लेकिन अगर मॉलिक्यूल ले रहे हो आप तो मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स रहेंगे, हर एटम का अपना एक न्यूक्लियस होगा. सो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं वो यहाँ पे एन से हम लिखते हैं, एंड ई रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम. सो फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यू कैन कैलकुलेट हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स विल बी प्रेजेंट इन द हैमिल्टोनियन. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन द हैमिल्टोनियन कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय दिस. We will take few examples, like for example for helium atom. Helium atom में न्यूक्लियस हमारा एक ही होता है और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे. हीलियम एटम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वी हैव टू इलेक्ट्रॉन्स, सो इट विल बी हैविंग नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन टर्म्स विल बी गिवन एज वन प्लस टू into 1 plus 2 plus 1 divided by 2. This will be 3 into 4 divided by 2, that is 3 into 2, 6 terms will be present. If we go for a simpler, that is hydrogen atom, which we have just seen it, hydrogen atom ke liye n is equal to 1 hai, aur electron bhi hamara ek hi hota hai, so this will give us 1 plus 1, into 1 plus 1 plus 1, that is n plus e into n plus e plus 1 divided by 2, that will be 2 into 3 divided by 2, it will be equal to 3 terms. That is what we have got it over here. यहाँ पे हमें तीन terms मिले थे, एक ये टर्म था, दूसरा यहाँ पर, एंड थर्ड यहाँ पर. सो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स में हमारे पास तीन टर्म्स होते हैं, सो दैट थ्री टर्म्स वी कैन इजीली फाइंड इट आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. इफ यू गो फॉर द इफ इट इज ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वी हैव हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो दो हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे, सो न्यूक्लियस वहां पे दो रहेंगे, दोनों एटम का एक एक न्यूक्लियस होगा एंड दोनों एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन भी होगा. सो वी विल हैव ई इज इक्वल टू टू एंड एन इज इक्वल टू टू, सो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी टू प्लस टू इंटू टू प्लस टू प्लस वन, दैट इज डिवाइडेड बाय टू, सो इट विल बी फोर इंटू फाइव डिवाइडेड बाय टू, it will be 10 terms will be present. So when we are going from just a hydrogen atom to hydrogen molecule, number of terms in the Hamiltonian is increasing from 3 to 10. If we go for the simplest of the organic molecules, we have millions of organic molecules are there, usme jo sabse simple organic molecule hai wo hai methane molecule. Methane is CH4, so CH4 molecule जो कि सिंपलेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास होंगे चार हाइड्रोजन के होंगे और एक कार्बन का, सो टोटली फाइव न्यूक्लियस होंगे, एंड वी विल हैव इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के,
एटॉमिक नंबर 6 है, सो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन, चार हाइड्रोजन के चार इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 ऑफ कार्बन, सो इट विल बी 10 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। सो कॉम्प्लेक्सिटीज कितनी बढ़ती हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में भी, दैट वी कैन इजीली फाइंड इट आउट फ्रॉम हियर, दैट इज 5 × 5 + 10 × 5 + 10 + 1 / 2, this will be 15 × 16 / 2 or 15 × 8, that is 120 terms. So for a simple molecule such as methane, usme bhi Hamiltonian mein 120 terms hote hain. अब 120 टर्म्स का हैमिल्टोनियन अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो इट विल टेक फ्यू मंथ्स टू सॉल्व फॉर ऑल दोस इक्वेशन। इसी के लिए हमें जो मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे बढ़ता है वैसे इसके लिए हमें खुद वहां पर कैलकुलेटर्स लेकर के या पेन पेपर लेकर के हम हैमिल्टोनियन या स्क्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज द नंबर ऑफ टर्म्स दैट आर देयर विल बी enormous number of terms will be there. Even if we take it simple aromatic compound as benzene, C6H6 molecule has n is equal to 12, has 6 carbons and 6 hydrogens are present. So 12 nucleus we will be having it. So 12 nuclei are present in this benzene molecule, and we have number of electrons as 6 carbons are there, so 6 into 6 of carbon plus 6 into 1 of hydrogen. So it will be 36 plus 6, 42 electrons will be present. So overall we will be having it, number of terms will be equal to 12 plus 42 into 12 plus 42 plus 1 divided by 2. So this will be 54 × 55 / 2 or 27 × 55. That comes to 1485. So benzene molecule will have 1485 terms involved in it. So it becomes a huge number. इतना नंबर लिखते लिखते हमारी नोटबुक भर जाएगी, तो सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो फॉर सच प्रॉब्लम्स वी नीड और वी रिक्वायर कंप्यूटेशनल पावर, वी कैन नॉट डू इट विद मैन्युअली। लेकिन कंप्यूटेशनल पावर के लिए भी उनको कंप्यूटर को ट्रेन करना पड़ता है, एंड वी हैव टू गिव सर्टेन इनपुट्स। सो फॉर दैट इनपुट्स वी नीड टू नो व्हाट आर the likely solutions, what are likely assumptions are there, वो अगर हमें पता चलता है तो then we can do it. अगर आप complex molecules, polymers लेते हो जैसे natural polymers like proteins या फिर carbohydrates अगर लेते हो जिसमें कि hundreds of amino acids होते हैं, and we will have tens of hundreds of atoms are there, and those all will be having number of electrons will be enormous, number of electrons will be there. So we will have terms which are running into say few lakhs or million terms will be there. So इतने सारे terms Hamiltonian में अगर आप pen paper लेकर के लिखोगे तो हमारी एक notebook तो सिर्फ उसमें Hamiltonian के Hamiltonian लिखने में ही चल जाएगी, Hamiltonian operator लिखने में ही एक notebook चला जाएगा हमारा। So we can imagine how much time we will get to solve such problems. So इसके लिए हम क्या करते हैं, we use the computational power to solve these equations. We use the computational power, computer को हम train करते हैं कि इस type के equations को हम कैसे solve करते हैं। So computer में हम वो feed कर सकते हैं और फिर computer अपना खुद solve करके दे देता, and it requires lesser time for it. Still for simpler molecules, फॉर अबाउट से 150 एटम्स तक का जो मॉलिक्यूल होता है उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं लाइक गॉशियन सॉफ्टवेयर, और इसको सॉल्व करने के लिए उसे अराउंड 4 to 5 डेज लगते हैं। अगर आपका 150 एटम्स का जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो एनर्जीज वगैरह कैलकुलेट करने के लिए
कंप्यूटर रिक्वायर अराउंड 4 to 5 days, पावरफुल कंप्यूटर। नॉर्मल जो हमारा डेस्कटॉप या लैपटॉप होता है उससे कैलकुलेशन नहीं हो सकते हैं। इट रिक्वायर्स सर्वर ऑफ हायर कॉम्प्लेक्सिटीज, हायर कॉन्फिग्रेशन वाला सर्वर रहेगा, तो इट रिक्वायर्स अराउंड 4 5 days ऑफ कंप्यूटेशनल वर्क और कंप्यूटेशनल कैलकुलेशन टू अराइव एट सर्टन एनर्जी लेवल्स, उसके शेप्स वगैरह वहां पे फिर हमें मिल सकते हैं। सो इट इज एन एनॉर्मस वर्क दैट रिक्वायर्स फॉर दिस सिंपलर मॉलिक्यूल्स, लेकिन हमारे पास वो कंप्यूटर्स हैं इसलिए वेरी इजीली वी कैन डू इट। सिर्फ हमें इसकी थियरी पता होनी चाहिए ताकि हमारा जो कंप्यूटर हमें सॉल्व करके दे रहा है वो करेक्ट सॉल्व करके दे रहा है या गलत करके दे रहा है, ये हमें पता होना चाहिए वहां पे। इसके लिए थियरी अगर आपको पता होगी तो यू कैन इजीली ट्रेन योर कंप्यूटर टू सॉल्व करेक्टली योर आंसर। यू डिड नॉट हैव टू सॉल्व दिस थिंग्स, यू विल हैव टू जस्ट कमांड टू द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर विल सॉल्व दिस थिंग्स। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हमें उसे कुछ इनपुट्स देने पड़ते हैं। वो इनपुट्स हमें क्या देने हैं, कितना इनपुट देना है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके लिए ये जो थियोरी है ये थियोरी हमें पता होनी चाहिए। अगर थियोरी आपको पता होगी तो ये इजीली आप कर सकते हो। सिर्फ हमें इनपुट देना है, बाकी कैलकुलेशन पार्ट तो कंप्यूटर खुद ही करता है, वो हमें करने की जरूरत नहीं होती। तो एक बार कैलकुलेशन करो या 10 बार कैलकुलेशन करो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। सो कंप्यूटेशनल कंप्यूटर जो है वो काम करते रहेगा। लेमैन का काम कंप्यूटर करता है, हमें सिर्फ सोचना है कि हमें इनपुट्स क्या देने हैं और जो एनर्जी मिलती है हमें उसका हमें क्या करना है, वो हमें वहां पर पता होना चाहिए। तो दिस वॉज फॉर हैमिल्टोनियन।